ಜನದೇವ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ ಸಹನ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ ಕವಿತಾಂಶ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಿತ ವಿರಾಮದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಸಲಕೆಯ ಚಕ್ಷುರ್ನಿಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಗುರುದೇವಾಯ ವಿಮತೇ ಸಮಮೂರ್ತಯೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಪ್ರಭವ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ಮನ್. ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ಶ್ರೀಯಾತ್ಮನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಮಂಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಾಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ರೂಪಾನುಗ್ರಹ ಶ್ರೀ ಗೌರಕರುಣಾಶಕ್ತಿ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಸ್ತುತಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗೌರವಾಣಿ ಶ್ರೀಮೃತೈ ವಿನತಾಯಿ ಶ್ರೀ ರೂಪಾನುಗ್ರಹಸಿದ್ಧಾಂತದಂತಹಾರಿಣಿ. ನಮೋ ಗೌರಕೇಶ್ವರಾಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈರಾಗ್ಯಮೃತೈ ವಿಪ್ರಲಂಬರಸಾಂಬುಜಾಯತೆ ನಮೋ. ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನತಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾಮಿನಿ ಗೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ರೂಪಾನುಗ್ರಹರಾಯತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಸ್ವಜನಪ್ರಿಯ ವೈಷ್ಣವಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಪಾಂಚಾಲ್ಭಗರುಭ್ಯಸಿಕಾನಂದೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ವೃಂದಾಯ ತುಳಸಿಜಗ್ರೈಪ್ರಿಯಾಯ ಕೇಶವಸ್ತ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜದೇವಿ ಸತ್ಯವತೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಜಗದಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿ ವೈಷ್ಣವೇ ಜಾಸ ಹೇ ಲೋಕ
Thakur, Jaya Vishnu Thakur, Vishnu Thakur, Jaya Vishnu Thakur, Jaya Vishnu Thakur. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kaya Mohe Swami Nati Dayalu Jagata Santari Patita Pavana Hetu Kala Patara Gautama Patita Prabhu Napai Virara Prabhu Nityananda Shemananda Sukhi Kripa Bhaja Karnakaya Ami Bhara Dukhi Daya Kara Sitapati Advaita Gosai Tava Kripa Bhaja Pai Chaitanya Nitai Aha Swarupa जिसने जगत में ये कृष्ण भक्ति का ध्यान प्रदान किया। महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करके दरवाजा दरवाजा पर गए, हर दरवाजा में जाकर भिक्षा मांगी। बोले किस चीज की भिक्षा मांगी? बोले मेरे को तीन चीज भिक्षा दे दो। बोले तीन चीज क्या है? बोले बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण सुख। बोलना तो कृष्ण ही बोलो, भजन करना तो इधर उधर देवा दिन को भजन वर्ष आप मना कर दिया। भजन करना तो बोले कृष्ण भजन ही करो। बोले क्यों कृष्ण भजन क्यों करेंगे? जगत में बहुत सारे देवा देवी। बोले भैया जगत में 33 करोड़ देवता है, हैं? दिन में अगर 1 करोड़ देवता को पूजा करोगे ना, 30 दिन में कितना हो गया बता? 30 दिन में कितना हो गया? 30 करोड़ होते। अभी 3 करोड़ बाकी रह गया कि एक को मनाओ दूसरे मुँह खुला कर बैठ जाएगा, तीसरा को मनाओ चौथा मुँह खुला कर बैठ जाएगा, हैं? अरे जगत में कितने को मना करोगे? जगत में कितने को मनाओगे? एक मनाओगे तो दूसरा मुंह खुला कर बैठ जाएगा, हैं? मेरा भजन नहीं किया देखना दूसरा पीछे लग जाएगा। शनि को पूजा किया तो सोम लग जाएगा पीछे, सोम लगेगा तो भूत लगेगा, फिर 1000 अंगूठी, पूरा 5-5 अंगूठी, 10-10 अंगूठी पहन लेते, हैं? ये ग्रह मेरे ऊपर भी, ये ग्रह देखो, तब तक ये ग्रह तुम्हारे ऊपर में आक्रमण करते नहीं जब तक कि तुम ठाकुर का शरण में नहीं चले जाओ। जब ठाकुर का चरण में चले जाओ ना, वो सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। जैसे मोदी, मोदी का नाम जानते हो? मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये जैसे कोई गृह मंत्री, किसको मना दिया? गृह मंत्री किसको बनाया? अमित शाह को। किसको उन्होंने वायु मंत्री बना दिया? किसको उन्होंने बिजली का मंत्री बना दिया?
किसको उन्होंने प्रेम का मंत्री बना दिया, किसको उन्होंने भीता मंत्री, उसने अलग अलग क्या क्या उन्होंने एक एक को एक एक पोस्ट दे दिया। लेकिन ये पोस्ट दिया किसी ने? ये प्राइम मिनिस्टर दिया। जब कोई प्राइम मिनिस्टर को सरने में आ जाता है, उसका सरने में आ जाता है, जब इनको पता चलता है ना भैया ये मोदी का जाना देखना, उसका पीछे कोई नहीं लगता, इसको बंगाल हो गया तो भैया अपना ही नौकरी जाएगा, अपना नौकरी जाएगा। तो उसी तरह जो कृष्ण है, ये कृष्ण कौन है? ब्रह्मा कह रहे वे सर्व कारण कारणम, जितने सारे कारणों का जो मूल कारण ये बनते हुए, ये ईश्वर है, ये परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह ही है, सर्व कारण का कारण श्री कृष्ण है। जब हम कृष्ण शरण में आ जाते हैं ना, ये जितने सोम मंगल बुध बृहस्पति शनि ये सब के सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कृपा करने लग जाते। अगर तुमने हरि के छोड़ दिया, इसलिए भागवत ने दो उदाहरण दिया, कितना उदाहरण दिया? दो। हाँ देखो, उन्होंने दो उदाहरण दे करके श्री सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे कि पेड़ है, जैसे पेड़ का जड़ में पानी देने से आपको और कहीं पानी देने का जरूरत नहीं है। अगर आपने जड़ में पानी नहीं दिया, दिन भर उसका पत्ते में पानी दो, उसका फल में पानी दो, उसका फूल में पानी दो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा? आप जड़ में पानी मत दो, पूरा पेड़ पेड़ में पूरा पानी दो, लेकिन जड़ में पानी नहीं भरो, बताओ वो पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? लेकिन कहीं पानी नहीं दो, केवल जड़ में पानी दे दो, वो पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? दूसरे उदाहरण दिए, जैसे भोजन, हम भोजन कहाँ देते हैं? मुंह में देते हैं। कोई बोलेगा क्यों? आँख से देखते हैं ना, तो डाल डाल दो, क्योंकि आँख से देखते हैं। कान से सुनते सर रोटी दे दो, हाथ में काम करते सर हाथ को फाड़ कर सर चावल डाल दो, पैर में काम तो सर सब चीज़, ऐसे कोई करता है क्या? आहार कहाँ देता है? मुख में। जब मुख में आहार दे दो ना, पूरा सारे इंद्रियों तुम्हारी आँख देखना, कान में सुनना, हाथों में काम करना, सारे इंद्रिया तुम्हारे सारे काम करना शुरू कर देंगे। हैं फिर उसी तरह ये सुखदेव बोले सर्वा अरण, बोले 33 करोड़ देवता चीन बांध के बिहार की पूजा करते हैं, जब उनकी शरण में चले गए ना, सब अपने आप प्रसन्न हो गए, अपने आप सबके सब खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने 33 करोड़ देवता को पूजा की, 33 करोड़ देवता को हमने पूजा की, लेकिन केवल श्री बाक्य बिहारी की पूजा नहीं किया ना, भगवान की भक्ति नहीं किया, तो लास्ट में देखो सब जीरो हो गए। अगर ना मरते समय भी तो चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गते हैं सब की बात झूठा है, बोले राम कृष्ण के सिवाय तुमने और जो कुछ किया तुमने झूठे में बिताया है। अभी तेरे साथ में क्या जा रहे हैं? राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अगर ये सत्य बोला तो तुम्हारी गति नहीं, तो तुम्हारी कोई गति नहीं, सब कोई बात झूठा लास्ट में करते थे, सब के सब झूठा है, तुमने जो इधर उधर पूजा पूजा किया ना सब झूठा में तुम्हें मिलता यार, अभी तेरे साथ में कोई जा ही नहीं रहे, केवल राम और कृष्ण का नाम जितने किया हो जाते। अब रामायण सुने सुनेंगे ना, जब हनुमान जी को मेघनाथ बांध करके ले गया, उसने देखा उसको घर में उसको पिताजी झाड़ लगा रहा था। हनुमान का पिताजी कौन है? देखा उसके घर में झाड़ू, भगवान के पिता झाड़ू लगा रहे, अग्नि देवता घर में कपड़ा धुलाई कर रहा, ब्रह्मा जी वेद सुना रहे, काल को पैर के नीचे दबा कर बैठे, और जो ग्रहों को पूजा करते हैं ना, सोनी सोमिनी। अब रामायण देखा होंगे, देखे कि नहीं, जब मेघनाथ ने रावण के सामने खड़े कर दिया, देखा सारे देवता सारे तक बांध करके रखे, सबके सब बांध करके रखा, सबके सब हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि दुष्ट से हमें मुक्ति दिलाओ, ये दुष्ट से हमें मुक्ति दिलाओ, सारे देवता को बांध के रखा था, हैं किसको उसने छोड़ा नहीं, सबको। लेकिन सबका तो खुश किया, लेकिन एक व्यक्ति को खुश नहीं कर पाए, सब खत्म। किसको खुश नहीं कर पाए? राम जी। विभीषण किसको खुश किया था? राम जी। उन्होंने और किसको खुश करने का जरूरत नहीं, एक राम का खुश करती है तो, एक राम को खुश कर दिया तो सबके सब जो इधर उधर थे सब खत्म, लेकिन एक व्यक्ति बदल गया, क्योंकि उसने केवल प्रभु राम की शरण में गया था, इसलिए वही बाकी रह गया। हनुमान ने भी पूरा लंका जला के राख कर दिया, लेकिन केवल विभीषण का ख्याल छोड़ दिया, क्यों? मेरे प्रभु की शरण में आया है।
और प्रभु की शरण में आ गया है। इसलिए जब भगवान की शरण में आ जाते हैं ना, सब अपने आप खुश हो जाते हैं। इसलिए महाप्रभु ने इसलिए नाम श्री कृष्ण चैतन्य नाम पढ़ा, उन्होंने दरवाजा पर जा करके भिक्षा मांग दिया। क्या मांगे? बोले बोलो कृष्ण, बोलना तो कृष्ण ही बोलो, भज कृष्ण, भजन करना तो केवल भक्ति बिहार के भजन करो हैं, और कर कृष्ण शिक्षा। अगर कुछ शिक्षा करना चाहते हो ना, कृष्ण भक्ति की शिक्षा करो जीवन। इसलिए इनका संन्यास चैतन्य महापुरुष संन्यास का नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य, जिसने जगत में जिसने कृष्ण रूपी चेतना तक उन्होंने दिया है। इसलिए उस भजन में कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करमो हे, तुम्हारी न दयालु जगत संसारी। कहे महाप्रभु मेरे ऊपर आप कृपा करो। बोल क्यों? बोल तुम्हारा बिना थे दयालु जगत संसारी, तुम्हारी सिवाय जगत में और कौन दयालु हो सकता है? बोले इतने दयालु क्यों हो गए? जैसे रामावतार में रावण कुछ किया तो भगवान उठाया धनुष, लंका खत्म। कृष्णावतार में कोई घर उधर क्या उठाया? ठाकुर जी चक्र, भगवान ने उठाया चक्र कृष्ण, और पूरा अघासुर बकासुर ताड़ जितने अघासुर बकासुर जितने सब के सब राक्षसों को उन्हें पूरा खत्म कर दिया हा? जितने शिशुपाल दंत वक्र जितने सब के सब खत्म कर दिए। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में किसी को नहीं मारे, किसी को नहीं मारे है। इसलिए कहते प्रभु तुमको छोड़ करके जगत में कौन दयालु हो सकता है? अभी प्रश्न है वही कृष्ण ही कलयुग में राधा जी की भाव अंकन से लेकर के महाप्रभु रूप में आए। मतलब वो राम तो भैया कृष्ण इतने निष्ठुर बने, पर ये महाप्रभु इतने दयालु कैसे हो गए? इसलिए इनका नाम पड़ गया गौरव हरि। क्या नाम पड़ा? गौरव हरि। गौरव हरि मतलब क्या? गौरव मतलब राधा रानी गौरी, हरि मतलब कृष्ण। कहते ये दोनों मिल करके गौरव हरि, राधा रानी और कृष्ण दोनों मिलकर महाप्रभु बने। इसलिए और राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जाओ तो सबके सब किसका नाम लेते हैं? राधे रानी। जोर से बोलो राधे रानी। तो राधे का नाम क्यों लेते हैं? बोले राधा रानी बड़ी कृपालु राधा रानी, बड़ी दयालु से राधा रानी है। बोले करुणा कुरुमयी करुणा भरि दे। देना राम तो सबको मारे, लेकिन मैया सीता किसको मारी? नहीं, कृष्ण ने मारी। राधा रानी किसको मारी? शंकर जी माँ दुर्गा देवी मारी। तो माँ है ना, इसलिए माँ का हृदय क्या होता है? कोमल होता है, दयालु होता है। इसलिए राधा रानी दयालु, इसलिए कलयुग में महाप्रभु उसकी भाव अंगता से लेकर के आए। इसलिए महाप्रभु उसी अवतार में उन्होंने किसी को मारे, किसी को उन्होंने नहीं मारे, उनको सबका हृदय प्रेम। उन्होंने ऊपर से नहीं मारे, लेकिन अंदर से हमारे जो बड़े शत्रु अंदर में, शत्रु बड़े बैठे अंदर में, काम क्रोध लोभ मोह, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु यही है। उन्होंने जो अंदर का शत्रु को मारे, ऊपर का शत्रु को उन्होंने नहीं मारे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं बोले प्रभु तुम्हारा बिना के दयालु जगत संसारे, जगत में तुम्हारी जैसे दयालु कौन जगत में? इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। जगत में जितने वदान्य मतलब देने वालों में सर्वश्रेष्ठ जो दाता है कौन है? श्री सचिनंदन श्री गौरव है। और उसका दूसरे लाइन में कहते हैं बोले जगत में आप आए क्यों हो? आए किस लिए? बोले पतित पावन हेतु तव अवतार। इसलिए आप कलयुग में आए हो, कलयुग में बड़े बड़े पापी है, पतित मतलब गिरे हुए व्यक्ति हैं। कलयुग में सब बड़े गिरे हुए, बड़े बड़े गिरे हुए व्यक्ति कलयुग में सब के सब। इसलिए आप कलयुग में ये पतितों को उद्धार करने के लिए आप आए हो। लेकिन पतितों में सबसे बड़े पतित कौन है? देखो क्या कहते हैं, भक्तों के अंदर में क्या भावना रहनी चाहिए? जगत में सबसे गिरे हुए, लेकिन सबसे बड़े गिरे हुए परमल में कौन है? मैं। कहते भक्तों का हृदय में यही भाव रहता है, हैं? भक्तों का हृदय अभिमान नहीं रहता है, अरे हम इतने बड़े इतने बड़े, हम सबसे बड़े नहीं। कहते जैसे वृक्ष में, जिस वृक्ष में जितना फल आ जाएगा ना, आप देखना वो वृक्ष उतना झुक जाती है, वो खड़ा नहीं रहता है, जितना फल आएगा उतना झुक जाएगी। जिसको हृदय में जितनी भक्ति की भावना आ जाएगी, उसके अंदर में घमंड का नहीं आएगी,
अभिमान नहीं आएगी, क्या आ जाएगी उसके हृदय में, दीन झुक जाएगी, दीन हीनी भावना आएगी है उसके हृदय में, दीन हीनी भावना आएगी। वो कह रहे हैं जो भजन गा रहे हो नरोत्तम दास ठाकुर बोले प्रभु जगत में जितने गिरे हुए व्यक्तियों में सबसे ज्यादा गिरा हुआ मैं। अब आए क्यों, गिरे हुए व्यक्ति को उद्धार करने के लिए आए, इसलिए ठाकुर जी मेरे को सबसे पहले बड़ा गिरा हुआ हूँ, सबसे पहले मेरे को अब निकालो। इसलिए हमारे संप्रदाय में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी देखो वो कितने बड़ी बात कहते हैं, हैं कितने बड़ी बात कहते, वो कहते हैं पुरी से रे कीट हैते मुई से लगिष्ट जगाए माधाई हैते मुई से पापिष्ट मोर नाम लय जय तार पाप है मोर नाम सुने जय तार पुण्य खाए के मन निर्भिन्न मरे के वा कृपा करे एक नित्यानंद जगत माध्यम करे। नित्यानंद प्रभु कितने दयालु, उसको दूसरे लाइन में कहते हैं दया, उसको बाद में क्या क्या बोलो हरे कृष्णा तो सीता पति, इसलिए पति तपावन है तब हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद दो कृपा बलो कर दया कर हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। दूसरे लाइन में कहते हैं प्रभु नित्यानंद प्रभु प्रेमानंद सुखी, इनका नाम नित्यानंद। नित्यानंद मतलब क्या, नित्य मतलब होता हर समय, आनंद मतलब हर समय जो आनंद में रहते हैं, हर समय जो खुश रहते हैं, कभी को जब कभी दुखी नहीं होता, हर समय खुश रहते। बोले हर समय खुश क्यों रहते हैं, इनका नाम नित्यानंद है। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हर समय प्रेमानंद में खुश रहते, प्रेमानंद में आनंद, क्यों प्रेमानंद में आनंद रहते, बोले कारण है जो आनंद स्वरूप ना इसे वाक्य दिया है। आनंद स्वरूप कौन है, श्री ठाकुर जी, अगर उनकी भक्ति करोगे भजन करोगे तो तुम भी आनंद में रहोगे, तुम भी आनंद में रहोगे, क्यों आनंद तो ठाकुर के चरण में, खुशी तो ठाकुर के चरण में, उनके चरण को भक्ति करोगे तो सुखी भी रहोगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, इसे बताओ भैया कहते हैं दाऊ दयाल श्री बलदेव प्रभु ये क्या करते हैं, पंच रसों से दस शरीर से ठाकुर का सेवा करते हैं, दस शरीर से पंच रसों से ठाकुर का सेवा करते हैं। इसलिए ये दुनिया में जो कुछ देखो ना, आसन पादुका उनकी सिंहासन जो कुछ कपड़ा देखो श्री बलदेव प्रभु ही बने हुए, इसलिए हर समय जो ठाकुर की सेवा में रहते हैं, इसलिए जो व्यक्ति ठाकुर की सेवा में रहेगा ना वो तो आनंद में रहेगा, खुश में रहेगा है, उसको कभी दुख आ ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं आप नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलोकन कर आमी बड़ा दुखी, मैं बड़ा दुखी हूँ मेरे ऊपर आप कृपा करो। इसलिए नित्यानंद यहाँ पर श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी कहते हैं कहते मैं कितने घिरा हुआ व्यक्ति अपना कह रहे हैं वो संत, बोले पूरी सिर कीट है तो मुझ से लगिष्ट, पूरी से मतलब विष्ट, बिष्टा में जो कीड़े होते हैं ना, बिष्टा में जो कीड़े होते हैं कहते बिष्टा का कीड़े सभी में ज्यादा गिरा हुआ है, पूरी से कीट है तो मुही से लगिष्ट और जगाई माधाई है तो मुही से पापिष्ट, मैं कितना पापी हूँ कहते जगाई और माधाई ये दो हुए महाप्रभु के भक्त है, पहले बड़े प्रिय कर थे दोनों ब्राह्मण घर में तो जन्म हुए लेकिन असत संग से ये दोनों इतने गुंडे इतने बदमाश थे, इतने उनका नाम सुने तो लोग कहाँ फूटते थे, जब दोनों रास्ता में बैठ जाए शराब का मटकी लेकर के, ऐसे बोतल नहीं मटकी लेकर शराब में बैठ जाए और किसका हिम्मत नहीं वो रास्ता में जाए हैं, दोनों ऐसे गाली गलौज करना हाँ ऐसे कोई गंदा काम जो उन्होंने नहीं किया, मांस मछली सारे सारा दुनिया हाँ लड़की बाजी सारा दुनिया ऐसे कोई गंदा काम नहीं उन्होंने जो नहीं किया है, और जमदूत देख करके जाते हैं है? जे चित्रगुप्त कहते चित्रगुप्त क्या करता है वो सब कुछ डायरी में लिखता है, उनका नाम चित्रगुप्त, चित्रगुप्त मतलब क्या है, चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब छुपा करके, वो सारे हमारे फटो को ले रहा है। अगर कोई सोचे नहीं दस मंजिल के ऊपर में मैं दरवाजा बंद करके कुछ कर रहा हूँ वहाँ थोड़ी कोई दिख रहा है, बोले नहीं दिन में सूर्य किरण सब जगह सब देख रहा है वो सारी चीज वही देख रहा है, रात में दस दिशाएं रात है रात रात में रात साथी है, कहते हम कुछ भी चीज छुपा कर नहीं कर सकते, वो सारे फटो हमारी बन रहे सारे हमारे कैमरा लगा हुआ है, इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त है,
चित्र मतलब तो फटो गुप्त मतलब छुपा करके, इसने सारे छुपा करके हमारे फटो को देखा है। और जब जन्म होता है, हैं जैसे जन्म होता है, फिर जैसे आपने कर्म किया ठीक परिवार आपको ऐसे मिलेगा, ठीक परिवार पत्नी वैसे मिलेगी, बच्चे में ऐसे मिलेगा, दुकान ऐसे मिलेगा, मकान ऐसे मिलेगा, हैं। अब देखना इसी जगत में किसका चेहरा से किसका चेहरा मिलता है, पृथ्वी में कितना लोग होंगे बताओ तो, बताओ पृथ्वी में कितने लोग हैं, भारत में कितने लोग हैं, 1.35 करोड़ हाँ। अब आप एक चेहरा से दूसरा चेहरा मिलेगा क्या, मिलेगा एक चेहरा से दूसरा एकदम नहीं मिलेगा, आप देखना सबके चेहरा क्यों ऐसे क्यों, बोला हमने जैसे कर्म की ठाकुर जी ठीक चेहरा हमें दिया है, सबका दुख अलग अलग देखो, बस एक का दुख अलग, इनको कुछ अलग दुख, इनका दुख कुछ अलग दुख, उनको कुछ अलग दुख, इनको कुछ अलग दुख, बोले क्यों कारण क्या है, बोले तुमने जैसे कर्म किए वो कर्म का अनुरूप तुमको फल भोगना पड़ रहा है, सबका दुख अलग अलग दुख है, सबके अलग अलग दुख कारण है, वो कर्म के अनुरूप सब कुछ कर्म के अनुरूप मिलता है, है? इसलिए वो चित्रगुप्त ना जब लिपते 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 उनका पाप को लिपते 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 घर भर गया, काफी काफी भर गया, जब जमदूत उनको बोलते थे आज जगह में था ये किया ये किया ये किया, बोले हे भगवान दो व्यक्ति कभी इतना पाप कर सकते हैं, हैं इतने पाप कर सकते हैं, बोलने पर ना क्रोध आता था चित्रगुप्त मारने दौड़ते थे, बोले दो व्यक्ति इतना पाप कर सकते हैं, लेकिन इतने इसलिए वो कह रहे हैं कि जगाई माधाई जितना पाप किया है उससे भी ज्यादा पाप कर्म किया है, इसलिए मेरे नाम जो लेता है ना उसको सारे पुण्य खत्म हो जाता है, मेरे नाम को जो सुन लेता है जितना उसको पाप लगता है जितना उसको पाप लगता है, लेकिन इतने हम निकृष्ट व्यक्ति, लेकिन ऐसे अगर निकृष्ट व्यक्ति के ऊपर कोई कृपा करने वाले है ना कहते श्री नित्यानंद को, कौन है राव भैया श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद को गुरु जी है, ऐसे पापी को ऊपर कोई कृपा करने वाले श्री नित्यानंद प्रभु, इसलिए कहते प्रभु कृपा अवलोकन कर हमें बड़ा दुखी, अब हमारे ऊपर में अब कृपा रूप अवलोकन हम देखो हम बड़े दुखी है हम, उसको तीसरे में कहते हैं दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा वाले पाई चैतन्य निताई, तीसरे में कहते हैं श्री अद्वैत आचार्य, ये अद्वैत आचार्य कौन है, ये स्वयं सदाशिव, ये स्वयं सदाशिव श्री हैं, इसलिए जब इन्होंने इसी जगत में आए महापुरुष से पहले दुनिया की स्थितियों को नहीं देखा, और दुनिया की स्थिति तीनों दुनिया बुरा स्थिति देखा, जिस समय हैं उन्होंने देखा कलयुग आ गया था, कलयुग में तो लड़ाई झगड़ा अशांति केवल देखा, और क्या किया देखा, देखा अगर किसको पास उसका पैसा है ना पैसा वो कैसे नष्ट करते हैं, बिल्ला और बिल्ली एक तरफ में बिल्ला और एक तरफ बिल्ली दोनों पक्ष में दो व्यक्ति जैसे बरात होते हैं ना एक लड़की वाले और एक लड़के लड़की वाले लड़का वाले कुत्ता और कुत्ती एक लड़का और एक लड़की कुत्ती इनकी शादी करवाते हैं और उसमें करोड़ रुपया खर्च करते हैं और क्या करते जो देवी बंगाल में देवी है उसको ऊपर में बलि चढ़ाते हैं बकरा भैंस को बलि चढ़ाते हैं और पीते हैं शराब पीते हैं शराब पीते हैं सबके सब और उनने क्या देखा जितने भी कोई गीता भागवत पढ़ते हैं आप इसको लेकिन इसको भक्ति के लिए नहीं केवल तर्क वितर्क करने के लिए एक दूसरे को बात केवल खंडन करना और कुछ नहीं इसलिए उन्होंने आकर के दुनिया को देख करके देखा कोई भी भक्ति नहीं करता है हा? जैसे कभी स्नान करने के लिए कभी गंगा में जाते हैं एक बार श्री पुंडरीक आखिर का नाम ले लेते हैं और कोई भक्ति भक्ति भजन भजन कुछ नहीं करते सब विषय में मस्त है लेकिन इसको देख करके इनको बड़ा कष्ट मिला इनको बड़ा कष्ट मिला भले इनको क्यों कष्ट मिला ये क्यों दुखी हो रहे थे इसलिए दुखी हो रहे थे ये श्री सदाशिव है ये श्री सदाशिव है ये सदाशिव रूप में ये महाविष्णु रूप में जिनसे इस जीव प्रकट होते जिससे जीव प्रकट होते हैं जैसे आपका कोई बच्चा आपका कोई संतान अगर कोई गलत रास्ता पर जा रहा है पिता माता देख कर दुखी होंगे ना सुखी होंगे दुखी होंगे ना दुखी होंगे इसलिए वो जगत पिता है वो जगत का पिता वो है इसलिए अगर देख के बच्चे अगर लिखाई पढ़ाई अच्छे कर रहे हैं पिता माता के आदेश पालन करते हैं सही रास्ता पर चलते हैं पिता माता देख करके
खुश होते हैं बच्चे हमारी सही मार्ग पर चल रहे हैं, हैं? सही मार्ग पर, इसलिए वो जगत पिता है, अद्वैत सदाशिव है, और सदाशिव होने का नाते जब उन्होंने देखा कद भगवान की जगत में मानव शरीर हमें क्यों दिया, संसार में ये जो मानव शरीर किस लिए हमें दिया है, इसलिए गोस्वामी कहते हैं आए थे हरि भजन को और करना हमें घर में संभालने के लिए नहीं आए, आए थे हरि भजन को, ये जीवन भगवान भजन के लिए दिया और कोई काम के लिए नहीं दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर उल्टा काम में लग पड़े, जो करना चाहिए उसको तो रख दिया पीछे और जो नहीं करना चाहिए ना उसको कर दिया आगे, बस उसको लेकर चलना शुरू कर दिया, इसलिए अंतिम समय में कहते राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य वल करते हैं सब कोई बात उठा है, जितना तुमने भजन किया वही जा रहे हैं और जो किया है सब एक सुई धागा भी यहाँ से नहीं जा रहे हैं, पत्नी आएगा तो रो रो कर दबा के चलेगी, परिवार आए तो शमशान तक चलेगी, उसका आगे तेरे साथ में कोई चलने वाले नहीं, इसलिए विदा कहती है पायो जी मैंने राम रतन पायो, क्या मिला जीवन है, और जितने प्रभु का भजन किया उतना ही जीवन में मिला, और जगत वही खुआ जगत ने सभी खुआ, इसलिए जीवन का जो मूल उद्देश्य है तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल भगवान को जानने के लिए ही ये जीवन हमें भगवान दिया, 84 लाख जन्मों के बाद में खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना ये सब जानवर कुत्ते गधे सुअर भी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, सुअर 15-15, 10-10 बच्चे जन्म देकर पाल रहे हैं, हम तो 2-4 बच्चे जन्म दिया, कौन सा भाई 3 मार दिया हमने, इन्हें गोस्वामी जी कहते अगर तुमने भजन नहीं किया ना सब जीरो लास्ट हो जाएगी, सब के सब तुम्हारी जीवन में जीरो हो जाएगी, इसलिए गोस्वामी जी एक सुंदर उदाहरण दिए, वो कहते हैं राम नाम की अंक है सब साधन की सुनम, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे रसम, बोले बहुत बहुत बड़े अच्छे उदाहरण दिया, उदाहरण देते हैं जैसे एक रखो, एक रख करके उसको सीधा हाथ में एक सुनम दो कितना हो जाएगा 10, पहले था 1, लेकिन जब एक सुनम दे दिया ना वो एक झट 10 गुण हो गया, और एक सुनम दे दो 100, पहले कितना था 10, लेकिन जब एक सुनो दिया कितना हो गया झट 10 सुनो दो 1000, पहले कितना था 100, देखो एक एक सुनो देने से 10, वो कहते हैं गोस्वामी जी एक हटा लो सुनो दो कितना होगा 0 दो कितना होगा 0 दो कितना होगा ये 0 0 ही उदाहरण देते हो, एक किया और 0 किया, मतलब एक भगवान की भक्ति 0 ये संसार 0 ये संसार, ये संसार क्या धर्मशाला है, जैसे धर्मशाला में रुकते हैं ना एक रात में बैठे खूब गप्पे मार, तुम कहाँ से कलकत्ता तुम बम्बे तुम मद्रास सबर होते सब गए, केवल हम यहाँ गप्पे मार रहे और कुछ नहीं, ये मत समझो केवल गप्पे मार रहे, तुम मेरी बीवी हो तुम मेरे पति हो तुम मेरे बेटा बेटी, समय जिसका आएगी ना पिता माता का समय रहते हुए बच्चे का समय आया उतरो वहीं से, रह नहीं सकते हो रह नहीं सकते वहाँ पर, वहाँ से उतरना पड़ेगा तुम्हें, केवल यहाँ गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे गोस्वामी के गप्पे और कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल मान लिया है तुम मेरे पत्नी मेरे तेरे बच्चे, इसलिए लेकिन कहते हैं 0 तो है लेकिन ये 0-0 बन सकता है, वो कहते हैं 0-0 बन सकता है, 0 को जो 1 में लगा दिया ना हो गया हीरो, अगर केवल 1 को हटा करके 0 दे वो 0-0 है, फिर वो 1 किया बोले भगवान की भक्ति, अगर घर बनाया घर किसका है बोले ठाकुर का दरबार है, किसका है ठाकुर जी की दरबार, ठाकुर का मंदिर बस 0 हो गया है, कहाँ झाड़ू लगा बोले घर में अपना घर में 0, बोले कहाँ झाड़ू लगा बोले भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा 0 हो गया, खाना बना रहे बोले कुछ हम खाएंगे ना बच्चे हम खाएंगे 0, बोले क्यों खाना बना रहे बोले ठाकुर बोले 0, बच्चे को पाल रहे बोले मेरे बच्चा मैंने जन्म दिया बोले 0, बोले नहीं ये बच्चा ठाकुर ने दिया बड़ा बनकर भगवान बस हो गया 0। गोस्वामी जी कहते हैं भैया 1 को बाद मत दिया करो लास्ट में 0 रह जाएगी मेरे, पहले 1 को ठीक रखो 1 को पहले ठीक रखो, लेकिन ये 1 ठीक रहेगा कैसे तो ये चीज को समझो, इसलिए कहते भैया बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ ना होई, वो तभी ये 1 को ठीक रख पाओगे जब संतों का संग करोगे, तुम सोचोगे खुद कर लोगे बने वाले जी नहीं कर सकते, जब संतों के साथ में जुड़ेंगे भक्तों के साथ में जुड़ेंगे वही तुम्हारी एक को ठीक करके रखेगा,
संत से अगर अलग हो गया तो एक को ठीक नहीं रख पाओगे, नहीं रख सकते, चाहने पर भी नहीं कर सकते। जैसे तेरे तुम्हारे परिवार है तो सबसे भजन कर रहे हरि नाम के भक्त, क्यों? चूंकि हम संत से जुड़े, भक्त से जुड़े हैं, तभी सब काम कर रहे हैं। भक्त से अलग हो जाएगा ना, सब जीरो हो जाएगी सब के सब। इसलिए कहते संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी बनेगी, हाँ तुम्हारी किस्मत जगेगी। इसलिए संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी, इसलिए कहते काद से तेरे को हंस बनावे, कौआ से हंस वो बना सकते हैं, हैं? कौआ से कोयल बना सकते हैं, वो बगुला से हमें हंस बना सकते कौन? इसलिए गोस्वामी जी कहते संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। जब संतों के साथ में जुड़े रहेंगे वो हमारी भावना को बदला सकते हैं, हम खुद खुद नहीं बदला सकते हैं, संतों के बोले संत ही कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया एक को ठीक रख कर चलो, पहले एक को ठीक रखो, उसके बाद जीरो कर दो, उसके बाद इसको बाद एक जीरो, उसके बाद एक जीरो दो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो नित्यानंद प्रभु कृष्ण अद्वैत आचार्य उन्होंने क्यों दुखी हुए हैं, बोले कारण तो जगत का पिता है, तो जगत का पिता है, बच्चे अगर सदमार्ग पर चलेंगे पिता माता देख रहे खुश हो तो मेरे बच्चे अच्छे हैं, हैं? शराब नहीं पीते, बीड़ी नहीं फूंकते, वे गलत काम नहीं करते, सही मार्ग पर, पिता माता खुश होते ना, प्रसन्न हो तो बच्चे हमारी सही रास्ता पर है। अगर पिता माता खुश बच्चों को करो बच्चे भी फलते फूलते हैं, बच्चे भी हलते बोलते, क्यों? पिता माता के आशीर्वाद। अगर बच्चे गलत रास्ता पर चाहे पिता माता दुखी हो जाते, अगर पिता की अगर बात नहीं सुने पिता माता दुखी होते, हमने लिखाया पढ़ाया बड़ा किया हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए ये जो अद्वैत आचार्य जगत पिता है, हैं? जब उन्होंने देखा बच्चे, इसलिए मानव शरीर दिया भजन के लिए, लेकिन ये भजन मार्ग छोड़कर गलत रास्ता पर जा रहे हैं, इसलिए बड़े दुखी हो गए, बड़े दुखी हो गए। उन्होंने देखा जब तक जगत में नहीं आएंगे तब तक जगत का कल्याण होने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, बोले भगवान को प्रसन्न करना तो सबसे जल्दी कैसे खुश होते हैं, उन्हें सारे शास्त्र को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते उनको एक श्लोक मिला, बोले तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लक नवा। उन्होंने देखा शास्त्र में लिखा हुआ अगर गंगा जल है एक गंगा जल उसमें तुलसी पत्ता डाल दो, तुलसी पत्ता दे करके भगवान को अर्पण करना, भगवान इतने में इतने वशीभूत हो जाते हैं, कहते भगवान उसकी ऋणी चुकाने के लिए खुजरा मिल जाते, हम सर कब खुजलाते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाए, ऋणी ग्रस्त हो जाए ना, भैया उसका ऋणी कैसे चुका है, उसका ऋणी कैसे चुका है, सर खुजलाते हैं। कहते ठाकुर को गंगा पानी और तुलसी ये दोनों प्रिय, गंगा पानी ठाकुर का चरण अमृत और तुलसी भक्ति देवी है, कहते भगवान ये दो चीज को ठाकुर को अर्पण करो, ठाकुर इतने खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते हैं, उसका ऋणी से मुक्त पाने के लिए ठाकुर जी सर खुजला मिल जाते, हमने ये चीज को हमने प्राप्त मिला मिला तो उन्होंने ठाकुर जी को गंगा जल तुलसी दल लेकर भगवान को रहे, ठाकुर जी आप इस जगत में आओ, आप ही इनके कल्याण कर सकते हो, इनका उद्धार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। इसलिए इनके आह्वान से श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं बल्लभ वृंदावन छोड़ करके श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में जगत में आए और वहां पर सर्वत्र उन्होंने हरि भक्ति को उन्होंने कृष्ण भक्ति को राधा रानी प्रेम को जगत में सर्वत्र उन्होंने प्रचार और प्रसार किया है, हैं? जगत में। इसलिए इनकी जो भविष्यवाणी है पृथ्वी से आशी ज्यादा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में शहर शहर में मेरे नाम गूंज उठेगा और सबके सब प्रसन्न होकर के बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, जोर कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये अद्वैत आचार्य जो कहते हैं ये कौन है, बोले गौर अना ठाकुर, जिन्होंने कृपा करके इस जगत में श्री महाप्रभु को जगत में लाए, हैं? जगत में महाप्रभु आए तभी हम थोड़ी बहुत भक्ति को जान पाए, थोड़ी बहुत प्रभु के प्रेम को हम लोगों ने सीख पाए।
इसलिए बोले तुम्हारी कृपा से ही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तुम्हारी कृपा से मिलते हैं। इसलिए हा स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ भट्ट युग श्री जी वहा प्रभु रघुनाथ। तो उन्होंने सारे चैतन्य महाप्रभु का जो छह गोस्वामी जिन्होंने आकृति ब्रजधाम को प्रकाशित किया सारे संतों का चरण में प्रणाम करते सारे संतों से वो आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए प्रभुपाद की चरण में प्रणाम करते हुए प्रभुपाद आप जगत हम लोग को परम कृपा करो जैसे हमें शुद्ध संतों की संगत जैसे हमें मिले हैं। इसलिए हे गुरुदेव हम सबको ऊपर में आपका आशीर्वाद हो जैसे जीवन में आपकी चरण की हमें जैसे सेवा मिल सके। इस भजन में इस सब चीजों को ये भजन में ये बंगला है अब तो समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने उसको व्याख्या कर दिया। और एक भजन गाते हैं कि बंगला भजन है लेकिन बड़े रसपूर्ण है। ये भगवान का नाम क्या है भगवान बताए ना जगत में जय जय हरि नाम। इसलिए भगवान बताए कल युग में मैं दो रूप में अवतरित होऊंगा। कितने रूप में? दो। क्या क्या बोलो? नाम और विग्रह। इसलिए मैं अपना नाम रूप में आऊंगा क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। और दूसरे रूप में जो आऊंगा जो ठाकुर जी हम पूजा करते हैं ठाकुर जी जो हाँ राधा कृष्णा सीताराम लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं ठाकुर जी। बोले ये दो रूप में जगत में ठाकुर जी अवतरण हुए और एक रूप में भगवान का नाम। कभी इसका ऊपर में एक भजन है हमने भजन को बंगला भजन हम उसका मीनिंग बता दूंगा। बोले जय जय हरि नाम चिदानंद अमृत धाम पर तत्वाचार आय निज जने कृपा करी नाम जीवे दया करी धीरे धीरे जो नाक डूबने लगा
तेरा को मरने वाला हूँ। केवल एक कमल फूल लेकर केवल भगवान को अर्पण कर दिया। उन्होंने नाम राम अभी यण नहीं बोला, केवल दो अक्षर आधा नाम, इतने में केवल नाम रा कहते ठाकुर के जीवन में दो बार जल्दी बची। कहते एक तो भजक उधार में और एक द्रौपदी उधर में, केवल ठाकुर के जीवन में दो बार जल्दी बची। तो उन्होंने केवल ना रा बोले, ठाकुर ने चक्र भेजे तो बास मगर मच्छे उभार दी। अभी ईरण बोले नहीं। और द्रौपदी जब सुशासन वस्त्र हरण कर रहा था, जब द्रौपदी ने देखा कोई भी रक्षा नहीं कर रही, हमें मैंने सोच रहा था तेरे पांच पांच पति मेरे को रक्षा करेंगे, हमारे कुलगुरु भीष्म पितामह रक्षा करेंगे, तो विपत्ति का समय में कोई हमें रक्षा नहीं कर रहा, हमें कोई बचा ही नहीं रहा है। मेरा तो बड़ा अभिमान था, हम तो पांच पांच पतियों का पत्नी हूँ, सर्वश्रेष्ठ गांधी धारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भी, लेकिन विपत्ति का समय तो कोई रक्षा नहीं कर रहा। शिक्षा दे रहे हैं हम भी ऐसे नहीं जानते, हमारी ये है हमारी ये है हमारी, लेकिन विपत्ति का समय देना कोई भी आने वाले नहीं, कोई भी आने वाले नहीं। द्रौपदी कह रही हैं अपना पुत्र बुद्ध उत्तरा से, बोले उत्तरा अगर शरण में जाना ना कृष्ण को शरण में जा, ये दुनिया में जिसको तू अपना मान रहे हो ना बड़े स्वार्थी है, तो सब स्वार्थी है। कहते आप कैसे, बोले जब तक जेब में पैसा है, नहीं तो सबके सब पैसा गल तुम कौन हो, इसलिए शरण में जा तो कन्हैया की शरण में जा, बाकी बिहारी जी के वही केवल विपत्ति में वही कल तुम्हारी साथ में वही देने वाले हैं, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते जय जय हरिनाम, कहते हरिनाम की जय जयकार हो, क्योंकि भगवान से बढ़कर के भगवान की नाम है। ठाकुर जी को जय जय हरिनाम चिदानंदा मृतधाम, भगवान के नाम जैसे सच चित और आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है भगवान, सत्य स्वरूप और प्रेम और आनंद स्वरूप क्या है भगवान की नाम है। चिदानंदा मृतधाम पर तत्व अक्षर आता है, पर तत्व जो भगवान है, हम तो भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ये अक्षर रूप में, ठाकुर जी ये अक्षर रूप में आए, बोले निज जने कृपा करी नाम रूपे अवतरी, जीवे दया करे ले नौका, भगवान जीवों को कृपा करने के लिए ठाकुर जी इसी नाम रूप में अवतरी, तो जीवों को आशीर्वाद करने के लिए, हम तो ठाकुर को दर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ठाकुर जी क्या किया हमारे कल्याण करने के लिए, अपना नाम रूप में ठाकुर जी अवतीर्ण हो गए, जीव दया कर ले नपार, जो प्रभु हर जीव को पर अपार कृपा किया हो इसे नाम रूप में। इसलिए जय हरि कृष्ण नाम जगत जन सुविश्राम सर्वजन मानस, जय जय हरि नाम चिदानंदा मृत नाम पर तत्व, क्या जय हरि कृष्ण नाम जगत जन सुविश्राम, अगर हम भगवान की नाम को आश्रय ग्रहण करते ना तो जगत जन सुविश्राम, भगवान का नाम ग्रहण करने से ठाकुर के चरण में सुविश्राम, इनकी चरण में तुम्हें आश्रय प्राप्त होगा, और जिस चरण में आश्रय प्राप्त होने पर जीवन का तुम्हारी सब दुख खत्म हो जाए, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, क्या भजन है ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, ठाकुर का नाम लोगे जीवन का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए सुविश्राम मतलब जीवन में पूर्ण विश्राम कब मिलेगा, जब हम श्री ठाकुर का शरण में जाएंगे, ठाकुर का नाम लेंगे, तभी जीवन में पूर्ण तुम्हें विश्राम प्राप्त हो, पूर्ण विश्राम प्राप्त हो, हैं इसलिए सुविश्राम सर्वजन मानस रंजन। उसके बाद में मुन्नि वृंद निरंतर जिना मेरे समाधर हरी लाए हरिया मिधर, तो बड़े बड़े संत क्या कर रहे हैं तुम्हारे नाम को दिन रात गाते हैं, शंकर जी क्या करते हैं बोलो, शंकर जी की जगह इतना पूजा क्यों होती है, गोस्वामी जी कहते हैं बोले महामंत्र जय जप तमहेशा काशी मुख दिए तो उपदेशा, मेरे काशी में करवट लेने जाते, करवट पता है आपको, लोग लास्ट में अपना अंतिम शरीर को त्याग करने के लिए काशी जाते हैं, वही मरने के लिए जाते हैं, बोले क्यों, जब कोई व्यक्ति काशी में प्राण छोड़ता है, कभी काशी में जाकर देना घाट में हजार हजार लोग लास्ट में वही मरने जाते हैं, बोले कारण ही जो व्यक्ति वहाँ शरीर छोड़ता है, शंकर जी उनके कान में प्रभु राम का नाम सुनाते,
उसका प्रभु का नाम का नाम सुनाते हैं शंकर जी कानों में और सुनाने पर क्या उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए लास्ट में सबके सब अंतिम श्वास त्याग करने के लिए हजार हजार लोग काशी में प्राण त्याग करने जाते हैं। इसलिए काशी मुक्ति हेतु उपदेशा शंकर जी स्वयं प्रभु का नाम जप करते हैं और सबको प्रभु का नाम पर मुक्ति देते हैं। इसलिए शंकर जी इसलिए और ब्रह्मा जी कभी चतुर्मुख में भगवान के नाम जप करते हैं। माता देवी भी क्या करती हैं, हाँ राम रामेति रमेति रम रम मन रमे, उनका आठ हाथ में देखना एक हाथ में माला है, वो भी माला जप करते हैं। गणेश जी क्या करते हैं, वो भी हरि नाम करते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन वो भी। जगत में जितने बड़े बड़े मुनि लोग जितने सुख सनातन जितने गोस्वामी लोग जितने हुए सब के सब क्या करते हैं, भरी गाय भरिया बदन अपना बदन भर करके हरि का गुणगान करते हैं, भगवान की सबके सब प्रभु का नाम करते हैं। इसलिए वहां जो भजन गा रहा था ना, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माला जपी थी मीरा बाई ने, माला जपी थी मीरा बाई ने, अमित जया मुरली नफरत करनी चाहिए गंदी चीजों से, ये हमारे हिंदू धर्म है सनातन धर्म है। सबसे पहले देखो भगवान कृष्ण को देख लो तिलक लगाए ठाकुर जी, राम को देखो तिलक लगाए, हनुमान जी को देखो तिलक है, नारायण को देखो तिलक है, भगवान स्वयं तिलक धारण करते हैं। हमारी बात तो छोड़ दो, ठाकुर स्वयं तिलक लगाते हैं, लेकिन हमें तिलक लगाने शर्म लगते लोगों के, बाबा जी को गया ये तो साधु बन गया, अरे साधु नहीं बन गया चोर बन गए, साधु बनेंगे साधु बनेंगे। इसलिए कहते हैं भैया राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाले, कमजोर दिल वाले भगवान भजन नहीं कर सकते। इसलिए सब सब दिल वाले बनो, कैठी माला तिलक भगवान भजन करो। फिर जो तिलक लगाते हैं ना, पुराण में बताया जो तिलक लगाते हैं, जो उसको दर्शन का बल कर लिया, कृष्ण दर्शन करने का बल मिलता है, भगवत दर्शन करने का बल मिलता है। जो शरीर में तिलक लगाते हैं, पद्म पुराण का श्लोक है, उसका शरीर में गंगा जमुना सरस्वती गीता सरस्वती सावित्री संदर्भित शरीर में सीता और राधा रानी का निवास होता है, ये पुराण में श्लोक होता है। जो तिलक धारण है उसको शरीर में 33 करोड़ देवता की निवास हो जाती है, और हम 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, भगवान अलग अलग नाम है। माँ यशोदा कृष्ण को जो पुतना आ गई ना, पढ़ कर देखो माँ यशोदा कृष्ण को तिलक लगाए, बोले द्वादश अंग द्वादश अंग में माँ यशोदा ने कृष्ण को तिलक लगाया। शंकर जी को जितने हमारे 33 करोड़ देवता को देखोगे ना, बगैर तिलक के किसका लगाट नहीं देखोगे, सारे देवता लोग भी
तिलक लगाते हैं, जैसे कोई बिजनेस में जाओ क्या कर तिलक लगा कर जा बेटा भाई काम बन जाए, तिलक मतलब विजय, तिलक मतलब होता है विजय, जिस काम के लिए तू जा रहे हो युद्ध के लिए जाते तिलक विजय, तिलक विजय तिलक उसको कहते हैं, इसलिए तिलक कंठी माला हमें धारण करनी चाहिए। इसलिए कहते प्रभु आपने जीव गोबर में कृपा करके ये नाम रूप में आए हो, बड़े बड़े मुनि लोग भी अच्छे ताप जीवे जाते तुम भी सब कर रहे हो, जीव में जितने ताप है आपके नाम को दर सारे दुखों कर दूर हो जाता है, डाके यदि कौन धन है अतिचर, अगर तेरे नाम कोई आश्रय ग्रहण करता है वही दिन अतिचर, डाके यदि कौन जन वही दिन अतिचर, नहीं देगी अन्य प्रतिकार, कहते हैं अगर दूसरा प्रतिकार नहीं देकर उनका नाम जब करता है, पुराण का श्लोक है बोले उपद्रव नाशनम, जितने घर का उपद्रव है जितना दुख कष्ट है सारे दुख कष्ट उपद्रव सबका सब जीवन में नाश हो जाता है, इसलिए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा इसलिए कीर्तन में ना बहुत अच्छी अच्छी बात बताई भगवान कैसे नाम रूप में आकर के जीव को फिर कल्याण करते हैं। ठीक है प्रसिद्ध वृंदावन लाल की जय, आज के आनंद की जय, हरे कृष्ण।